हेलो एवरीवन, क्लास 12th एक्सरसाइज 2.1 के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले इनको करने से पहले मैं फिर बोलूँगा, लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। 11th क्लास के फॉर्मूलाज याद करें, तभी ये आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और ऐसा ना सोचें कि हम इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, इसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर अगर इस चैप्टर को आप छोड़ते हो तो कम से कम क्लास ट्वेल्थ के आप बहुत सारे चैप्टर आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला उधर हर जगह यूज़ हो रहे हैं क्लास 12th के अंदर। तो आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान देकर पढ़ें। आइए, अब क्वेश्चन नंबर 9th की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9th कह रहा है कि इफ़ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन। देखो, इसके अंदर हमें एक चीज़ गिवन है, देखो ये वाली। अब ये दिया हुआ है हमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। सबसे पहले हमें देखना है कि करें क्या। हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि अगर मैं ये प्लस का इधर ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, और इन दो का तो मैंने पढ़ा है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब मैंने ये दोनों ही फॉर्मूले पढ़े हैं, ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है और ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड के। जो हमने 6 फॉर्मूले सबसे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर प्रूव करे थे, जिससे हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था, वो इन्हीं फॉर्मूले से करा था, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड, अब इसका फॉर्मूला भी मुझे याद है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला था कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब देखो, दोनों ही तरफ कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या? एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का जेड। इस माइनस के जेड को मैं इधर ले आता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, इस पूरे माइनस को उधर ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। अब जब भी इक्वल के अंदर से मुझे अंडर रूट हटाना होता है तो हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, यानी एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई प्लस जेड का ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर का ऑल स्क्वायर। तो अब इस पे से क्या हट जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा, और इसको क्या कर लेंगे? ए प्लस बी का ऑल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और इस पे से क्या हट जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो, ये तो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखो, इस वाले को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस वाई स्क्वायर, अब इस माइनस के एक्स स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो, जो कट हो रहा है उसे हम काट देते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये कट हो गया। अब देखो, ये दोनों ही माइनस के हैं, इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऑलरेडी जेड स्क्वायर है ही, प्लस टू एक्स वाई जेड, और ये इक्वल में मैंने यहाँ पे वन रखा, तो मुझे यही तो लेकर आना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन। यानी मैंने क्या कर दिया? ये हैंस प्रूफ कर दिया। आप लोग फॉर्मूले आपको बहुत, देखो ये पूरा सॉल्व किससे हो गया? केवल इस फॉर्मूले से सॉल्व हो गया। तो आपको मैं फिर बार बार बोलूँगा कि आप फॉर्मूला ज़रूर याद करें, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, मतलब चैप्टर को पढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलें, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट पार्ट थर्ड में आ जाएं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप लोग सोचोगे इसको, ठीक है। बस फॉर्मूले याद रहने चाहिए
और स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई, देन प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है, आइए देखते हैं कि एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स वाई जेड, हमको ये प्रूफ करना है। तो इसके अंदर हम बात आती कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसके अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बच रहा है, क्या हम इसको वहाँ भेजेंगे? जी नहीं, आप इसको एक तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पे अगर हमें एंगल दे रखा है तो हम इन सबको एंगल में चेंज करें, एक तरीके से ही मान लेते हैं हम। तो देखो मैंने क्या करा कि साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिया, साइन इनवर्स वाई को मैंने बी मान लिया और साइन इनवर्स जेड को मैंने सी मान लिया। जब मैंने साइन इनवर्स ए की जगह ए रखा और साइन इनवर्स बी की जगह वाई की जगह बी रखा और इसकी जगह मैंने जब सी रखा तो इन तीनों ही एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। इन तीनों ही एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। लेकिन अब याद रहे अगर मैं इधर से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी, साइन ए, और अगर मैं इधर से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, साइन बी, और इससे साइन जेड की वैल्यू क्या आएगी, साइन सी। तो आइए अब हम जो प्रूफ करना है उसका हम LHS ले लेते हैं। LHS में हमें क्या प्रूफ करना है कि x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर, इधर जेड स्क्वायर होगा क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर ही है तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, जेड ही आएगा इधर, तो जेड स्क्वायर कर लेना सब, तो माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने लिख लिया तो अब इधर एक्स की जगह क्या आएगा, साइन ए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अंडर रूट में सॉरी साइन बी अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर सी। अब बात सुनो, मैं इसका फॉर्मूला जानता हूँ क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस साइन बी एज इट इज, इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस बी। कैसे निकल रहा है ये, टेंथ क्लास का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, देन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर ऐसे बोल लो वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए, आया समझ में? तो इसी तरीके से हमने इन तीनों को लिख लिया। देखो इसके अंदर हमारा माइंड बहुत तेज काम करना चाहिए, हमें जब फॉर्मूले याद होंगे जब भी हमारा माइंड स्पीडली काम करेगा। अब देखो मैंने एक चीज़ देखी कि साइन ए कोस ए, साइन बी कोस बी, साइन सी कोस सी, थीटा सेम है और साइन और कोस के साथ है तो एक फॉर्मूला होता है, टू साइन ए कोस ए, अब थीटा कुछ भी लगा लो। अब मैंने दो से मल्टीप्लाई करा है तो मैथमेटिक्स में हम मन से तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन समान व्यवहार कर सकते हैं। अगर मैंने दो से मल्टीप्लाई करा है तो मुझे दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने दो से डिवाइड भी कर दिया, दो से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो कोई हमारे इस वाली इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो 1/2 एज इट इज़, अब इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ, इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ और इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ, टू साइन एस कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन टू ए, साइन टू ए
प्लस इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ साइन 2b, और इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ साइन 2c। क्लियर हुआ? अब एक बात सुनो, अगर मैं इसको ना लेकर केवल इन दोनों को लेता हूँ, साइन a प्लस साइन b, क्या लिया मैंने, साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस बी बाय 2 डॉट कॉस a माइनस बी बाय 2। तो देखो ये 11th क्लास का फॉर्मूला हमारे काम में आया, तो अब मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 1 बाय 2, इसकी पूरे की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2 साइन a प्लस बी, यानी 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b बाय 2 डॉट कॉस a माइनस बी, यानी 2a माइनस 2b बाय 2, और ये ऐसा कैसा चल ही रहा है, प्लस साइन 2c। क्लियर है? अब ऊपर का रफ करना पड़ेगा, तो मैं ये रफ कर रहा हूं, तो देखो अब इसको सॉल्व कर, इन दोनों में से दो कॉमन आ रहा है, तो 1 बाई 2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये दो स्टेप भी कर ही देता हूँ रफ, जिसने नोट डाउन नहीं करा वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लें, स्टेप बाय स्टेप करें क्वेश्चन को, स्टेप एक भी मिस ना करें। 1 बाई 2, ये 2 ऑलरेडी है ही साइन, अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा a प्लस बी, और अपॉन में 2 है ही, फिर ये क्या चल रहा है कॉस, वही वाली बात, हमने इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, तो अंदर बच रहा है a माइनस बी, और अपॉन में 2 है ही, फिर उसके बाद माइनस सॉरी प्लस साइन 2c। अब इधर थोड़ा ब्रैकेट सही लगा लेते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया इधर, ठीक है, अभी 2 से 2 कट, इस 2 से 2 कट, तो बचा क्या 1 बाई 2 2 साइन a प्लस बी, ठीक है, डॉट कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन c डॉट कॉस c। इसको वापस मैंने खोल के लिख लिया, क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है, तो इधर भी मैंने 2 लिया है, अब इन दोनों में से मैंने क्या करा, 2 वापस कॉमन ले लिया, यानी 1 बाई 2 इंटू 2, तो अंदर क्या बच गया साइन a प्लस बी डॉट कॉस a माइनस बी प्लस साइन c डॉट कॉस c। अब तुम्हें याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन में लिखा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा पाई माइनस सी, क्या होगा a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, तो इस a प्लस बी की जगह मैंने क्या लिख दिया पाई माइनस सी। अब मैं जानता हूँ ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई से कुछ कम हो रहा है, तो ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, तो ये क्या जाएगा साइन सी डॉट कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी डॉट कॉस सी, इतना हमने कर लिया है। उसके बाद अब देखो साइन इन दोनों में साइन सी कॉमन आ रहा है, तो मैंने साइन सी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब अगर इधर से मैं सी की वैल्यू निकालूं इस वाले से, तो क्या निकलेगी पाई माइनस ए प्लस बी, यानी सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं पाई माइनस ए प्लस बी, तो साइन सी ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। अब बात आती है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस
माइनस का होता है, ये सब मैंने समझाया है पार्ट फर्स्ट के अंदर, तो आप जरूर देखें, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको। तो कॉस ए माइनस बी, ये पाई है तो चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पाई में चेंज नहीं होता, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, तो माइनस कॉस ए प्लस बी। अब इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ, कॉस ए माइनस कॉस बी का, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला 11th क्लास वाला, आइए देखते हैं क्या कहता है। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला कहता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन बी माइनस ए बाई टू। तो कॉस ए की जगह तो क्या है ए माइनस बी, तो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो तुम यहाँ सी और यहाँ डी कर लो, यहाँ पे सी और यहाँ डी, इसी तरीके से यहाँ डी माइनस सी। अब थोड़ा समझ में आएगा, सी की वैल्यू कितनी है ए माइनस बी और डी की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी। तो टू इसकी पूरे की जगह क्या लिख दिया, देखो साइन सी तो चल ही रहा है, तो साइन सी और इस पूरे की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं देखना, टू साइन ए साइन टू साइन सी प्लस डी, यानी ए प्लस बी प्लस सॉरी ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई टू डॉट साइन डी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, सी क्या है ये, अब माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो माइनस का ए प्लस का बी, साइन चेंज होंगे अपॉन टू। अब जो कट रहा उसे काटो, ये बी से बी कट, ये ए से ए कट, तो टू ए, और इस तरह टू कॉमन आया तो टू से टू कट, तो बच गया क्या ए, तो साइन सी इज इक्वल टू टू साइन ए साइन बी। अब देखो टू बाहर ले लिया, साइन ए किसको माना था मैंने, एक्स को माना था, साइन बी की वैल्यू क्या आई थी वाई आई थी, साइन सी की वैल्यू क्या आई थी जेड, और मेरे को यही प्रूफ करना था, यानी ये क्वेश्चन मेरा हैंस प्रूव्ड। आप लोगों को समझ में आया, देखो 11th क्लास के फॉर्मूले 12th क्लास के फॉर्मूले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो आप लोगों को फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पोज कर करके कॉपी में नोट डाउन करते रहें, जब भी स्कूल स्टार्ट होगी मैं चेक करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू, देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू वन। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू। मैं जानता हूं इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये पूरा फॉर्मूला मैं जानता हूँ, यानी ये इसके बराबर इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी आपस में दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तो मैंने क्या लिख दिया पाई बाय टू। अब देखो ये टेन इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो काइम हो जाएगा टेन पाई बाय टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन पाई बाय टू, वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू टेन पाई बाय टू। और टेन नाइन्टी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, क्या होती है इन्फिनिटी, यानी अनंत होती है, तो अनंत को हम कैसे लिखते हैं आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, अनंत को हम लिखते हैं वन बाय ज़ीरो, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी जीरो और ये आ जाएगा वन, यानी वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों आया, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हुआ। अब हमें लाना क्या है एक्स वाई प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी तीनों माइनस को उधर चल जाएंगे तो काय को जाएंगे प्लस के, यानी एक्स वाई
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू वन। और हमें यही लेकर आना था, हम LHS से हम RHS लेकर आ गए, यानी हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव हो चुका। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, सारे फॉर्मूलाज बहुत ज़रूरी है याद करना आपको। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ 1/2 साइन इनवर्स 2x upon 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट सॉरी प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 टेन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x क्यूब, x नहीं है z है, z ये z और ये z, क्लियर, इज इक्वल टू 5π इक्वल्स टू 5π। उसके बाद देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। अब देखो, मैंने जैसे ही क्वेश्चन देखा मेरे दिमाग में एक चीज आ गई, वो चीज कब आई, जब मुझे फॉर्मूला याद था। मैं जानता हूं ये किसका फॉर्मूला होता है, मैं ये भी जानता हूं ये किसका फॉर्मूला होता है, और मैं ये भी जानता हूं ये किसका फॉर्मूला होता है। ये तीनों फॉर्मूले मुझे ध्यान है किसके होते हैं। देखो, 2 tan inverse x जो होता है वो इन दोनों के इक्वल होता है, बस फर्क कितना है, अगर यहां x तो इधर x, यहां y तो यहां y, यहां z तो यहां z, तो इसमें x है तो ये x में आ जाएगा, यहां y है तो ये y में आ जाएगा, दोनों सेम चीज है। और एक फॉर्मूला ये वाला मैं जानता हूं, 3 tan inverse x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x क्यूब, तो लेकिन इधर x की जगह z है तो हम z लिख देंगे। तो मैं जानता हूं कि इस वाले की जगह, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स x, क्यों आया ये 10 टू tan इनवर्स x, इसकी जगह प्लस 1/2। अब इस cos इनवर्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 tan इनवर्स x नहीं y, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 3 x नहीं z, तो tan इनवर्स z, क्लियर है, और इक्वल में क्या चल रहा है, 5π चल रहा है, क्लियर हुआ। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू 5π। अब मैं इस तीनों का इन तीनों का फॉर्मूला भी जानता हूँ, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 5π। ये tan इनवर्स इसके पास जाएगा तो tan 5π हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और इक्वल्स टू tan 5π। अब देखो, tan पाई, tan 2π, tan 3π, tan 4π, tan 5π, कितने भी पाई होगी tan के साथ, उस सबकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इधर क्या जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो, इक्वल्स टू 0 आ गया, अगर ये चीज इसके डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई के अंदर आएगी, तो मल्टीप्लाई में करते हैं
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगी तो जीरो। अब ये माइनस की है तो इधर का एक जाके काई की जाएगी प्लस की, यानी एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये हुआ हमारा क्वेश्चन कम। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है ये कि इफ सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी इफ सेक इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 3 पाई इक्वल्स टू 3 पाई देन प्रूव दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। देखो अब इसको कैसे करेंगे, इसमें हमें ऐसा कोई चीज़ नहीं दिख रही जिससे हम फॉर्मूला रख सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मान लेते हैं कि एक्स बराबर टेन ए है और वाई बराबर टेन बी है। तो इधर से ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, टेन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, टेन इनवर्स वाई। क्लियर? तो सबसे पहले हमने एक्स इक्वल्स टू टेन ए माना, जो कि इधर पुट करो एलएचएस के अंदर, सेक इनवर्स अंडर रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोसेक इनवर्स रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर बी अपॉन टेन बी प्लस कॉट इनवर्स। तो मैं कॉट इनवर्स, चलो बाद में देखते हो, कॉट इनवर्स वन अपॉन जेड इक्वल्स टू 3 पाई पूरा ही ले लिया हमने, चलो एलएचएस हटा दो। अब इसकी इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा होती है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो केवल क्या निकलेगा, सेक ए। क्लियर? प्लस इसकी वैल्यू वही सेक बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वही सेक बी जिस हिसाब से ये निकला उस हिसाब से, बस इधर थीटा बी है तो सेक बी अपॉन टेन बी प्लस कॉट इनवर्स 1 बाई जेड इक्वल्स टू 3 पाई। आइए अब सेक इनवर्स ए से सेक कैंसिल आउट होगा, यानी 1 प्लस कोसेक इनवर्स सेक को सेक बी को मैं लिख दूं कॉस बी, और टेन बी को लिख देता हूं साइन बी अपॉन कॉस बी। तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन साइन बी की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक बी, क्या होती है, कोसेक बी इज इक्वल टू 3 पाई। तो इसकी वैल्यू कोसेक बी, और कोसेक इनवर्स से कोसेक खट जाएगा तो केवल क्या बच जाएगा, बी प्लस कॉट इनवर्स 1 बाई जेड इक्वल्स टू 3 पाई। अब ए की वैल्यू क्या आई, टेन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू क्या आई, टेन इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करने के लिए मुझे केवल क्या करना पड़ेगा, ये जेड ऊपर और वन नीचे, यानी जेड इक्वल्स टू 3 पाई। अब मैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला जानता हूं, तो मैं इसके हिसाब से इधर क्या करूंगा, फॉर्मूला पुट कर दूंगा। आइए फॉर्मूला पुट करते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स
इक्वल्स टू क्या चल रहा है, थ्री पाई। यहाँ से ये टेन निकल जाएगा तो टेन थ्री पाई, और मैंने क्या कहा था कितने भी टेन के साथ पाई हो, थ्री पाई हो, टू पाई हो या फाइव पाई हो, सबकी वैल्यू जीरो ही होती है। तो मैंने इधर क्या लिख दिया, डायरेक्ट जीरो। इधर से जाएगा तो काय का हो जाएगा, जीरो। तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, एच पी, क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। इसको वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है देखें, प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आइए इस कोट को मैं टेन में चेंज कर सकता हूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था केवल क्या करना होता है, थीटा उल्टा करना होता है, यानी वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इस ये मैंने क्या लिया, एनएचएस ले लिया। अब मैं इसका फॉर्मूला जानता हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। देखो इधर लिख देता हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। क्लियर है? तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स एक्स वाई यानी वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, टेन इनवर्स तो इसका एलसीएम लूंगा तो एक्स एक्स प्लस वन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे वन मान लो, प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्लियर? ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो तो ये आ गया इधर एक्स, इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं एक्स। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और इधर साथ में क्या चल रहा है, टेन इनवर्स। तो देखो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल, ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो बच गया वन। और वन का डिवाइड किस में भी दे लो, नंबर वही आ जाता है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x, और x को प्लस, और ये 1 सिंपल है तो इक्वल्स टू आर एच एस। ये हमारा क्वेश्चन हैंड्स प्रूव। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें टेंथ क्लास का बेसिक लगेगा, जिसमें हमने पढ़ी थी अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का एक कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 15 कि इफ टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड आर इन एपी, तीनों ही क्या है एपी के अंदर है, देन प्रूव दैट अब क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, ये कि y स्क्वायर x प्लस जेड प्लस टू वाई वन माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो। इसने कहा है कि तीनों ही एपी में है, तो जैसे सपोज करो ये एपी है 3, 6, 9, तो एपी की खासियत होती है कि इन दोनों का सम इसके टू टाइम्स के इक्वल होता है। जैसे ये एपी है तो इन दोनों का सम इसके टू टाइम्स के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर लगा देते हैं कि अगर ये तीनों इस तरीके से एपी में है, ये और ये एपी में, तो इसका टू टाइम्स इन दोनों के सम के इक्वल होगा। समझ में आई बात, क्यों आई है, क्योंकि ये एपी के अंदर है। अब मैं इसका फॉर्मूला जानता हूं टेन के साथ में,
टू टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन के साथ में होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इधर एक्स ना होकर क्या है वाई, तो वाई और ये भी वाई। फिर इन दोनों का फॉर्मूला भी मैं जानता हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का अभी लिखवाया ही था मैंने, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो x की जगह तो x है ही, लेकिन y की जगह कितना है z, यानी x प्लस जेड वन माइनस एक्स जेड, ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो बच गया क्या 2y अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2y को इससे मल्टीप्लाई करा तो 2y 1 माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड वन माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो प्रूफ क्या करना है, 2y 1 माइनस एक्स जेड ये आ रहा, यानी ये तो आ चुका हमारा, यानी अब इसको सॉल्व करना है, इसको नहीं छेड़ना है केवल इसको छेड़ना है, यानी इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस z को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करा, इधर कर रहा हूं कि 2y इक्वल में चली रही चीज, ओ सॉरी इधर नहीं चल रही, 2y 1 माइनस एक्स जेड ऐसा का ऐसा इक्वल, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x प्लस जेड इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर, अब माइनस वाई स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस का वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। अब देखो सब चीजें इक्वल में जीरो है, यानी सारी चीजें हमें इधर लेकर आनी पड़ेगी, यानी ये सारी चीजें हमें इधर लानी पड़ेगी। तो देखो 2 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, ये ऑलरेडी अपने घर में है ही, प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या हो गया हैंस प्रूफ।